अभी हम कीमा तैयार करेंगे। चॉपर में हम गोश्त डालेंगे और कीमा तैयार करेंगे। अभी हम प्याज चॉप करेंगे चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसे चॉप कर सकते हैं। ये देखिए प्याज हमारे चॉप हो गए हैं। अभी हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गरम गरम होने पे हम इसके अंदर कीमा डालेंगे, कीमा फ्राई करेंगे। हमें कीमे को थोड़ी देर के लिए फ्राई हो रहा है, उसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल करें। बहुत आसान रेसिपी है व्यूअर्स, आप जरूर इसे अपने घर पे ट्राई करें और बहुत मजेदार रेसिपी है। इसी तरह हम लोग चम्मच से इसे इसमें अब हम एक छोटी चम्मच काली मिर्च शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हमने जो ऑनियन चॉप किए थे वो हम लोग इसमें शामिल करेंगे और इसी तरह आपने अच्छी तरह आपने इसे मिक्स करना है।